लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जो आपने पूछा नहीं तो सात वालों के निकलने तक रुकना पड़ता, उकता उकता के दम घुट जाता। ये पार्टियां ऐसी ही होती हैं, ना पीने वाले की मौत। ये तमाशा भी कभी देखना था इसलिए चली आई। पहली बार मैं भी ऐसे ही गया था एक पार्टी में। हमारे कराड़ सांगली की तरफ ऐसी चीजें नहीं दिखती है ना। हमारे धूलिया जलगांव की तरफ भी कहां ऐसा दिखाई पड़ता है कभी। अच्छा तो अच्छा, इस बहाने खूब मुलाकात हुई आपसे। सच? ये भी कोई फॉर्मेलिटी नहीं? सच। ओके, बाय बाय, गुड नाइट। Thank you.
आ गए हीरो, कैसी रही पार्टी? कोई माल वाल हाथ लगा या ऐसे ही नैन सुख लूट के आ रहे हो? मेजरमेंट बोल, मेजरमेंट बोल। एक हमारा लग देखो, जब किस्मत ही बम बोले तो क्या करेगा भोसले। नीविया जी, लोग मजा मार रहे हैं, ये वेली भी साल है, और हमारी खोपड़ी पे वही एक्सीडेंट, मारपीट, एफआईआर। हेलो गोल चौकी पुलिस स्टेशन। अरे भाभी जी, कैसी हैं आप? मैं अनंत वेलनकल बोल रहा हूँ। मैं अभी देखता हूँ हैदर साहब कहाँ है। बॉस के पास। भाभी जी वो मीटिंग में है पाटिल साहब के साथ, कोई मैसेज हो तो मैं दे दूंगा। हाँ अच्छी बात। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग वेली। सर अभी आपके घर से फोन था, भाभी जी बोली थोड़ी देर बाद फोन करूंगी। हाँ मालूम है, दो रोज पहले जरा सा बुखार क्या हुआ था, तब से दिन में 10 बार फोन। खुश नसीब हैं आप सर। हाँ एक जमाने में सब कुछ अच्छा लगता था वेली, लेकिन अब बोरियत होती। उनको कौन समझा, मर्डर, डकैती, रेप, ये सब कुछ मुझे अपने बुखार से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर शाम को रामा शेट्टी आया था, कोई घंटा भर था बॉस के साथ। क्या बातचीत हुई सर? कल रात खोपकर गली वाले दंगे से आप जो उसके 3 गुंडे उठा लाए थे, शायद उसी के बारे में हो। सर बॉस क्या बोला? खुदा जाने, मैं तो यहाँ पर उलझा हुआ था। लो पढ़ो यार, देखो लोगों का क्या हुआ। बहुत गर्मी थी उसको, सारी दुनिया को इस पे मारता हूँ बोलता था, चीर के 2 कर दूंगा whoever stops me from doing my duty। पानी में रह के मगर से बैर करोगे तो यही होएगा। साली चुपचाप करो ना नौकरी। क्यों भाई? अपनी लाइफ का गोल फिक्स, नौकरी और छोकरी। फ्रंट पोर्शन फॉर छोकरी, बैक पोर्शन रिजोर्ट फॉर नौकरी। साला प्रॉब्लम ही नहीं। वेली सर, तुम्हारे लिए रामा शेट्टी का मैसेज है। मेरे लिए सर? क्या कहा है? फुर्सत से मिल लेना। साहब गुलनार होटल के आगे पी के दंगा करता था। इंस्पेक्टर अनंत वेलणकर। क्या साहब, आपको पहचानता नहीं क्या? आपसे मीटिंग नहीं हुआ तो भी आपको जानता मैं। आओ बैठो। बोलो साहब क्या लेता है? इधर साहब मिलता, इंपोर्टेड भी है। नहीं थैंक यू। ऐसा कैसा साहब, न्यू ईयर है, आज तो रात भर मजा मारने का। फर्स्ट टाइम गरीब के झोपड़ा में आया, आप खाली कैसा जाएगा? नहीं थैंक यू। जैसा आप चाहे, हम फोर्स नहीं करेगा। वैसे आज आप और इधर नहीं, आप आया बहुत खुशी हुआ, लेकिन कुछ खास सेवा हमारे लिए? पुलिस स्टेशन पर मैसेज रखा था। अच्छा अच्छा सॉरी साहब, भूल ही गया। बात यह है ना कि ये
बस्ती का सब इंस्पेक्टर लोग अपना पहचान वाला। आप अभी अभी ट्रांसफर हुआ ना? नहीं, वो कल रात को आपने हमारे तीन आदमी को पकड़ा। नहीं, ठीक किया आपने, अपना ड्यूटी किया। तब भी हम बोला आपका दर्शन एक बार होना ही होना। आपके बारे में सुना है साहब, बहुत नाम है बस्ती में। लोग बोलता है अफसर होना तो ऐसा ही होना, नेक और कड़क। और कुछ? कुछ तो भी लेके जाओ ना साहब, चाय बुलाता है, सोडा, लेमन। बेकार बर्बाद करने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। और कुछ? ए बस इतना ही। आओ बात यह ना कि उधर अंदर बोलने को अच्छा नहीं लगा। वो साहब बैठा है ना, सफेद बुशर्ट वाला, आप तो जानते होंगे, सीबी का इंस्पेक्टर है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं साहब, अपना पर्सनल फ्रेंड है। वैसे हमारे माफक कोई सर्विस होएगा तो जरूर बुलाना साहब। आप उन गरीब आदमी, लेकिन जब भी बुलाएगा हाजिर होएगा, बदले में कुछ नहीं मांगेगा साहब, नहीं तो आप बेकार में सोचेगा। क्या करें साहब, नसीब ही कोटा तो इधर मरने को आया। वैसे जितना बनता है सोसाइटी के वास्ते हम करता है। व्यायामशाला चालू किया है, गरीब लड़का लोगों के लिए फ्री ट्रेनिंग। एक एम्बुलेंस खरीदने का भी प्लान है, इमरजेंसी में गरीब लोगों के लिए फ्री सर्विस। बहुत मन करता था साहब आपके माफिक बनने का, बिल्कुल नेक और कड़क, हमको बोलना नहीं। वैसा आपको ड्यूटी करना पड़े तो जरूर करना, हम बीच में नहीं आएगा। कानून का इज्जत तो होना ही चाहिए साहब। हैप्पी न्यू ईयर। क्यों गया तू? चल ठीक से कर। हाँ, नाक जमीन को लगा, पीछे जा। चल, हाँ, शाबाश शाबाश। अरे उठना, बोला ना तुझे कितनी बार। हाँ, नाक जमीन को लगा। हाँ ठीक से कर। एक बंदी हो गई है, सारी यूनिफॉर्म खराब कर दी मेरी।
हमने एक सफेद फिएट कार ट्रेस की है। आपकी भी सफेद फिएट चोरी हुई थी ना? आज शाम तक आकर आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग वेली। हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू यू। थैंक यू सर। मैं रामा शेट्टी से मिला था सर। कब? कल रात को उसी के अड्डे पर। मैंने सोचा हो ही जाए अब। कैसी रही मीटिंग? ठीक हुई। काफी छटा हुआ है साला। एम्बुलेंस लेने का प्लान बना रहा है, गरीब लोगों के वास्ते फ्री सर्विस। आई हेट दैट बास्टर्ड। आज कोर्ट ड्यूटी पर कौन है सर? गुप्ते है। क्यों? नहीं, वो रामा शेट्टी के गुंडों के बारे में कुछ बातें समझानी थी। तुम्हें नहीं पता? किस बात का सर? उन लोगों को छोड़ दिया गया। क्या? कब छोड़ दिया? कल रात को। ऑर्डर्स। कल रात को? मैं तो यहीं। तुम्हारे जाने के बाद। उस वक्त शायद आप रामा शेट्टी से गुफ्तगू कर रहे होंगे। बास्टर्ड। आप अपने आप को क्या खुदा समझते हैं? यहां तो खुदाओं के भी खुदा बसते हैं। अगर समाज के इंटेलेक्चुअल क्लास की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे हमला होता है तो समझो जड़े ही कट रही है। इस बात का सख्त विरोध होना चाहिए। विरोध? कैसा विरोध? आपके यहाँ ओरिजिनल सोचने वाला इंटेलेक्चुअल क्लास है भी सही। आपकी एजुकेशनल पॉलिसी की खासियत ये कि बनाए चले जा रहे तोतों पर तोते। अरे भाई, अगर विचार ओरिजिनल हो तभी तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल उठेगा ना। हमारा कहना ये कि मुट्ठी भर लोगों के चीख पुकार मचाने और गाली गलौज करने के अधिकार के बनिस्बत अगर करोड़ों जनों की बेसिक जरूरतें पूरी करने का सवाल उठता है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को भी कतर देना चाहिए। कहिए मिस गोखले, आपकी क्या राय है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम किसी इशू को लेकर खुद कोई एक्शन करने को तैयार हों तभी उसमें दखल देना चाहिए, वरना डिस्कशन का तो कोई अंत ही नहीं। एक्सक्यूज मी। हाँ, अंदर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर बहस हो रही है, सिर्फ बहस। किसी इशू के लिए इन्वॉल्व होकर लड़ने की हिम्मत चाहिए। सब में नहीं होती, कम से कम बहस तो हो रही है ना। खुन्नस में आकर दो चार समझदार लोग इन्वॉल्व हो गए तो भी काफी। स्नेहा दे इनकरेजेबल ऑप्टिमिस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं जरा लाइब्रेरी जा रही हूँ। सी यू देयर। ओके बाय। हेलो। अरे आप, मैं तो पहचान ही नहीं पाई। परसों आप बस स्टॉप पर खड़ी थी, मैं मोटरसाइकिल पर गुजर रहा था, मैंने हाथ उठाया था, लगा आपने पहचाना नहीं। वो आप थे? हाँ। चलो आगे बढ़ो आगे। इस यूनिफॉर्म में आप बिल्कुल अलग दिखते हैं। आपने तो बताया नहीं आप पुलिस में हैं। आपने पूछा ही नहीं। आइए, पीछे सीट खाली हो गई। और आप? मुझे इसी स्टॉप पर उतरना। थैंक यू। देखिए साहब, अगर आपके पास पैसा नहीं था तो आप होटल में आए क्यों? अब खाने पीने के बाद आप कहते हैं कि पैसे नहीं है, ये कहां की शराब? आप जानते नहीं है मैं कौन हूँ? हम पुलिस इंस्पेक्टर। आप कोई भी हो, हमें उससे कोई बात नहीं साहब। आप अपना बिल दे दीजिए, दे दीजिए। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं कल ला के पैसा दूंगा, आज पैसा नहीं है मेरे पास। लोकेश पकड़ो साहब को। क्या बात? कमाल है साहब, खाने पीने के बाद कहते हैं कि पैसे नहीं है। कितना हुआ? 1860 साहब। I know your good name, officer. Anand Pelan. Which police station are you attached to? Golchok. Lobo. Inspector Mike Lobo. At present under suspension. For
for being under the influence of alcohol while on duty. Under suspension since 79. Anything else? No, sir. Well, officer, I happen to have no money on my person. Can you lend me some? Thank you. Thank you very much. It will be returned. Whenever you choose to meet me next time. Would you care to join me for a drink, officer? Somewhere else? No, thank you. I thought so. God bless you. एक बात और विलन कर, जब तक कोई ऐसी वैसी बात नहीं हो रामा शेट्टी के आदमियों को नहीं छुआ जाएगा। फ्राइडे रात को वैसे ही बात थी सर, जब मैंने उसके तीन गुंडों को पकड़ा। उन लोगों ने हमारे कांस्टेबल्स पर हमला किया था सर। जो हुआ सो हुआ, आगे से ध्यान रखना। सर मैंने सुना है कि उन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। यू कैन गो नाउ। अब इसे क्या कहेंगे, बचपन है या पागलपन? क्या बात? ये न्यूज पढ़ो, कोई पवार करके हैं, पहले पुलिस में थे, अब रिटायर होके पान बीड़ी की दुकान चलाते हैं और अपनी एरिया के अंडरवर्ल्ड के बारे में पुलिस को रिपोर्ट देते रहते हैं। एक दो बार पुलिस ने एक्शन लिया तो उससे ये साहब और उत्साहित हुए और तमाम गुंडों के बारे में लगे पुलिस में रिपोर्ट देने। अब उन्हें शिकायत है कि कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, जैसे डिपार्टमेंट को दूसरा काम ही नहीं, और कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है। अरे हो गई, अब वो अपने कमिश्नर साहब के ऑफिस के सामने भूख हड़ताल करेंगे। क्या कहेंगे इसे? बेवकूफी। क्या बात है भैया, बहुत सीरियस दिखाई दे रहे हो। कुछ तो है। वेली, डोंट बी डिप्रेस्ड। माय एडवाइस टू यू इज शादी कर, लाइफ रंगीन हो जाएगी। क्या कहता है यार, शादी सारी बर्बादी। तू उसको मजा लूटना सिखा बुते। से वाच कर वेली, तेजाब की बूंद है साली। चंगे देख उसके चांगे क्या चिकनी है, मगर हाथ लगाने ना दे। टेरिफिक चालू किस्म की है, ड्रग ट्रैफिकिंग का शक था उस पे। वो जो बैंड के पास खड़ा है वो इस जॉइंट का प्रोपराइटर है। मॉरल ट्रैफिक में 3 महीने काट आया है, मैंने रेड मारी थी। 2 बार इंडिसन एक्सपोजर में इसे पकड़ा था, मगर उसका भड़वा बराबर तार से तार मिलाकर छुड़वा लाया। गुत्ते ने वो रेड मारी थी। आज हम लोग डटे हुए हैं तो साले विद इन लिमिट्स हैं, वरना नंगा नाशी। हेलो, हेलो अनंत, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आज शाम को तो बिजी हूँ। तो फिर कल, कल शाम को आ जाइए, साथ बैठ के चाय पी लेंगे। थैंक यू, तो फिर कल मिलते हैं। बोलिए। मैं साहब
केसकर गली के नुक्कड़ पर रतन सिंह चाल के तीसरे माले पर रहता हूँ। चाल के नीचे ही दो बड़ी झोपड़पट्टियां हैं, खुलेआम हाथ भट्टी का धंधा चलता है वहां से। वहां के आवारा लौंडों की वही कमाई है। मेरी पत्नी राशन के दफ्तर में काम करती है। सुबह जब वो दफ्तर निकलती है तो ये गुंडे उसका पीछा करते हैं, वहां गंदी गंदी बातें सुनाते हैं साहब, ऐसी गंदी गालियां कि बताते हुए शर्म आ रही है मुझे, गंदे इशारे करते हैं उसको। जब शाम घर लौटती है तब भी वही बात, ये सिलसिला बिला नागा जारी है साहब। हम चुपचाप सह लेते हैं, अगर उन गुंडों को रोके तो जान का खतरा, चाकू छुरा लेकर तक घूमते रहते हैं। चाली के सभी किराएदारों की जवान बहु बेटियों का बाहर निकलना मुश्किल कर रखा है पिछले 5 साल से। इससे पहले ये सब इतना नहीं था, पर अब बात बहुत बढ़ गई है सब, बहुत बढ़ गई है। आज तो सब इन गुंडों ने हद कर दी। रोज की तरह मेरी पत्नी दफ्तर जाने निकली तो ये गुंडे उसके पीछे पड़े। उसे लगा रोजमर्रा की बात है, मगर साहब गुंडों ने उसे 20 गली घेर लिया, उसकी बेइज्जती की, उसके छाती पर हाथ डाला और उसका ब्लाउज फाड़ा साहब। अगर ऐसा होता रहे तो हम आबरूदार लोग कैसे जिएंगे? यादव रिलीफ को बोलो मैं केसकर गली जा रहा हूं। चलो किधर हैं वो लोग साहब? दिखता कोई? वहां ताश खेल रहे साहब। पवार जाओ, वो लोग ताश खेल रहे हैं, पकड़ के लाओ उनको। हाँ साहब, भागने मत देना किसी साले को। वार्निंग देके छोड़ दो सालों को। ठीक है साहब। दो का तो मुंह झड़ गया, औरत को छेड़ते हैं हरामजादे। एक पैकेट बिल लिख लेना। अच्छा सर। महंगे होटल में क्यों आए हैं? ऐसे ही कभी कभी ऐश सही। एक प्याला चाय के 6 रुपए, इसे ऐश कहते हैं? छोड़िए भी, कुछ और बात करते हैं। ये क्या, नई कविता जी?
लेकिन मुझे ये बताइए कि आजकल के दिनों आप इतना महंगा होटल कैसे अफोर्ड कर लेते हैं? चल जाता है। लेकिन कैसे? एक्सक्यूज मी, वुड यू लाइक टू प्लेस योर ऑर्डर प्लीज? आप क्या लेंगी? सिर्फ चाय। कुछ खाने के लिए? सैंडविच वगैरह? नहीं। कुछ समथिंग लाइट? नहीं, सिर्फ दो चाय। थैंक यू। कृति के पहले आया हुआ विचार और विचार के बाद वाली कृति, इनके दरमियान आहुति जो मैंने दी, जिन जिन क्षणों में मैं भूल गया था देह भान, जिन जिन क्षणों में उलझ गया था कृति में, उन्हीं क्षणों में मुझे दिखाई दी तुम्हारी संभावना की संपूर्ण आकृति। हो चुकी है अब मेरी कृति पूरी और तुम्हारी आकृति पुछ गई। ये आपकी फेवरेट पोएम है जी। चक्रव्यूह में घुसने से पहले कौन था मैं और कैसा था, ये मुझे याद ही ना रहेगा। चक्रव्यूह में घुसने के बाद मेरे और चक्रव्यूह के बीच सिर्फ जानलेवा निकटता थी, इसका मुझे पता ही नहीं। चक्रव्यूह में घुसने से पहले कौन था मैं और कैसा था, ये मुझे याद ही ना रहेगा। चक्रव्यूह में घुसने के बाद मेरे और चक्रव्यूह के बीच सिर्फ जानलेवा निकटता थी, इसका मुझे पता ही ना चलेगा। चक्रव्यूह से बाहर निकलने पर मैं मुक्त हो जाऊं भले ही, फिर भी चक्रव्यूह की रचना में फर्क ही ना पड़ेगा। मरूं या मारूं, मारा जाऊं या जान से मार दूं, इसका फैसला कभी ना हो पाएगा। सोया हुआ आदमी जब नींद में से उठकर चलना शुरू करता है, तब सपनों का संसार उसे दोबारा दिख ही ना पाएगा। उस रोशनी में जो निर्णय की रोशनी है, सब कुछ समान होगा क्या? एक पलड़े में नपुंसकता, दूसरे पलड़े में पौरुष, और ठीक तराजू के कांटे पर अर्ध सत्य। सुनिए, मैं चली जाऊंगी बस से, बस स्टॉप नजदीक ही है हॉस्टल के। नहीं, मैं छोड़ता हूँ ना आपको हॉस्टल तक टैक्सी में। नहीं, मैं आप लीजिए टैक्सी चाहे तो। अचानक आपको क्या हो गया था? क्यों, जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। मेरी ही गलती हुई जो आपको बताया। भीड़ में औरतों के साथ कई बार ऐसा होता है। और तुम औरतें चुपचाप सह लेती हो, इसी से उनके मुंह में खून लग जाता है। ऐसों का तो पकड़ के सर तोड़ देना चाहिए। शायद दिल का बुखार निकालने का यही रास्ता जानते हो। भूखा भेड़िया तो सामने पड़ी लाश पर भी दांत कड़ाएगा। और ये भी हो सकता है कि उस आदमी ने जानबूझकर नहीं भी किया हो। वेली, जरा मेरे साथ चलना।
चाय पी गया था। ओके सर, इसका जरा कंप्लेंट लिख लेना। आप जानते हैं सर, वो सब मवाली लोग थे। ये कोई बात हुई कि एक शादीशुदा औरत को भरी गली में दबोचे, क्या मजाक समझ रखा है सालों ने? एक प्लेट खारी भी लाना। और फिर मैंने उन्हें ऐसे नहीं मारा कि उनकी कोई हड्डी टूटे या खून निकले, मैं सिर्फ सबक सिखाना चाहता था उनको। और इस बात के लिए मिनिस्टर साहब मुझे सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि इन लोगों का हाथ मिनिस्टर तक पहुंचा कैसे। आपको लगता है कोई मुश्किल बात है? अपने इलाके के एमएलए के पीछे पड़ जाओ, वो मिनिस्टर की हाजिरी में लाकर खड़ा कर देता है। उसे भी तो रोब गालिब करना होता है कि देखो मेरी पहुंच ऊपर तक है। ऐसे भी लोगों की उन्हें जरूरत होती है जिन्हें वो संभाल कर भी रखें और जब चाहे इस्तेमाल भी करें। ऊपर से म्युनिसिपल इलेक्शन सर पर है, ऐसे वक्त झोपड़पट्टी वालों को नाराज नहीं कर सकते ये लोग। जरा सा पुलिस अत्याचार के नाम से चिल्लाओ, सीधे इंक्वायरी चालू और ऑफिसर सस्पेंडेड। तो करते हैं सस्पेंड, होने दीजिए इंक्वायरी। मैंने कोई गुनाह नहीं किया सर, और ये हो ही नहीं सकता कि मारने के निशान उनके बदन पर दिखाई दें। मैंने इस बात का पूरा ख्याल रखा था सर। वेली, तुम कभी कभी बहुत भूली बातें करते हो। दिखाने के लिए निशान बना लेना कोई मुश्किल चीज है, और आपको अंदाजा नहीं है सस्पेंड किए जाने पर कितनी जिल्लत होती है। माइक लोबो को देखा है कभी? वरना ऐसी बातें नहीं करते आप। और जिसे इंक्वायरी कहते हैं ना आप, खून चूस लेती है आदमी का। फिर आप ही बताइए क्या किया जाए, इस एमएलए से मिलूं या मिनिस्टर से? हड़बड़ी से काम नहीं चलेगा वेली, जो कुछ करना होगा होशियारी से और बिना वक्त गंवाए। छोटे खुदा बड़े खुदाओं की ही सुनते हैं। हेलो। हेलो, कहाँ गए थे इतने सारे रोज? घर गए थे? नहीं नहीं, सरकारी काम से। किसी को गिरफ्तार करना था? नहीं, ऐसे ही बेमतलब की झाएं थी। कैसे? एक आदमी शिकायत लेकर आया था, कुछ मवाली लोग उसकी बीवी को तंग करते थे। फिर क्या हुआ? काफी कुछ हुआ, दिल्ली जाना पड़ा। दिल्ली? हाँ, एक कांटेक्ट पकड़ा, काफी इन्फ्लुएंशियल था। आप अब सब ठीक है, सिर्फ इतना है कि सौदा जरा महंगा पड़ा। वैसे चिंता की कोई बात नहीं, आप कुछ कह ही नहीं रहे। जिस बात को ज्यादा नहीं जानते हो उसके बारे में क्या कहें? मुझे तो जानती हैं। अभी तक तो नहीं। सच? आदमी को अपनी सीमाएं जान लेनी चाहिए, है ना? जिंदगी इतनी उलझी हुई है कि आसान नतीजे निकालना सही नहीं है, और आदमी तो और भी उलझी हुई चीज है। कम से कम मेरे लिए तो है ही है। कभी कभी लगता है मेरी शिक्षा अभी अभी शुरू हुई है, कुछ कुछ जानने समझने लगी हूँ। नमन कर।
आपके साथ भीड़ में इस तरह धक्केबाजी हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। क्यों? मुझे अकेले के साथ थोड़ी होता है, सबके साथ होता है। सबकी बात नहीं जानता, लेकिन आपके साथ ऐसा हो ये मुझे मंजूर नहीं। चले। Well is great escape. Cheers. देसाई साहब, जब आपने कहा आई विल ट्राई, मैंने वैली से कह दिया फिकर छोड़ो, काम हो जाएगा। एक बार हम किसी को दोस्त कह देते हैं फिर उसके बाद उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। और दिल्ली में इनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कोई भी किसी भी काम के लिए इन्हें ना नहीं कह सकता। थैंक यू सर, आपने हमें भी अपना दोस्त समझा। टू अ ग्रेट फ्रेंडशिप। चीयर्स। चीयर्स। थैंक यू देसाई सर, थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया देसाई सर, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। एनी टाइम यंग मैन, एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। टैक्सी। Come on, get in, Valley. Excuse me, gentlemen. Excuse me, gentlemen. Excuse me. Excuse me. Look. Please, 1 minute, please. Can you lend me some money, please? Can you lend me some money, please? My wife died just this evening, and as things stand, I don't even have the money to bury her. Please help a good cause. Anything counts, from 50 rupees or even 5. Please help a good cause, gentlemen. Even less if you like. My wife died. Thank you very much. Thank you, sir. Sir, please, would you... Sorry, मेरे पास छुट्टा नहीं है। मेरी तू दे दे, मैं बाद में दे दूंगा। Thank you very much. क्या था, क्या हो गया? चुपचाप नौकरी करता रहता तो आज कहां से कहां होता? चुपचाप याने, हमारी तरह। चलो। क्या बात है? बात क्या है? कुछ नहीं, अपना आनंद आज बीए पास हो गया। तुमसे बताया नहीं बनता? वो बताने वाला था, शाम को ही तो वापस आए, तुम ड्यूटी खत्म करके। कौन सी क्लास में पास हुए? सेकंड क्लास। ठीक है, अब आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, पुलिस में भर्ती हो जाओ। पिछली दो पीढ़ियों से हमारा खानदान पुलिस में रहकर देश सेवा कर रहा है। इसका दादा एक मामूली कांस्टेबल था, मगर बहादुरी दिखाकर मरा। मेडल दिया था अंग्रेज सरकार ने मरने के बाद। बाप 23 साल की शानदार सर्विस के बाद फौजदार बना है। अनंत को कम से कम डीएसपी बनकर तो दिखाना ही पड़ेगा। मैं पुलिस अकेडमी में नहीं जाऊंगा मां, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं करूंगा साहित्य में, प्रोफेसर बनूंगा। बाबा चाहे कुछ भी कहते रहे। अनंत देखो मां, मैं पुलिस में नहीं जाऊंगा। तुम उनके सामने ऐसा मत कहना बेटे। कहूंगा, गुस्सा हो जाएंगे। होने दो गुस्सा, देखता हूं क्या करते हैं वो। क्या मेरा बेटा पुलिस में भर्ती नहीं होगा, ये तुम कह रही हो? तुम, शर्म नहीं आती तुमको ये बात कहते हुए? समझता क्या हुआ अपने आप? उसे पुलिस में ही भर्ती होना होगा, समझी? Thank you.
शेट्टी ने क्यों जलवाया? हम बोला काम छोड़ के गांव जाएगा, हमारा तबियत खराब रहता था साहब, रामा सेठ से मजूरी मांगा। मजूरी दिया उसने? नहीं साहब, अपने आदमी से मारा और फिर जलवाया। और कुछ बोलने का तुमको? ये सही करो, कर सकते हो ना? अकेला है? चार पांच पुलिस भी है सेठ, जीप में आया है। बोलो नहीं है करके। अच्छा सेठ, सेठ बाहर गया साहब। सच बोल रहा है? हाँ साहब। किधर गया? मालूम नहीं साहब, सेठ बोल के नहीं जाते साहब। साहब ऊपर नहीं जा सकते साहब, नारायण सालोके हॉस्पिटल में मर गया, डाइंग डिक्लेरेशन में उसने तुम्हारा नाम लिया है, तुमने उसे जलाकर मारने की साजिश की है, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। कल आना, देखेंगे। नहीं, तुम्हें अभी मेरे साथ चलना पड़ेगा। अभी क्या, अभी कैसा आ सकता है हम? जाओ, कल आना फिर देखेंगे। मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन ले जाने को आया हूं, कल नहीं आज। पाटिल साहब को बोल देना कल सुबह हम खुद आकर मिलेंगे। कल सुबह का सवाल ही नहीं उठता, अभी। कितना मांगता है? कैश मिलेगा। ए पकवास बंद कर, चल। हेलो, हम रामा शेट्टी सर, माफ करना आपको वापस फोन करना पड़ा, आपका एक अफसर इधर आया है सर, हमको अभी के अभी पुलिस स्टेशन चलने को बोलता है। यस सर, अभी इसी टाइम आने को बोलता है। क्या मालूम सर, आप बोलता है उससे? मेहरबानी सर, लो
Sub Inspector Velankar from Gold Chowki Police Station, sir. Go to hell! What are you doing there at this ungodly hour of sir? Sir, Narayan Saloke naam ke aadmi ko jala ke mara gaya hai. Usne apne dying declaration mein kaha hai ki. Hell with that dying declaration, man. Tumhe dusra kaam nahi hai is waqt. Magar sir. Bakwas band karo. Apne police station wapas jao and further orders ke liye wait karo. Suna? Sir. Sir, उस आदमी ने डायरेक्टली रामा शेट्टी को इन्वॉल्व करके जरूरत पड़ी तो बोल देना वेलनकर, हम हाजिर होएगा. रात को देर से पहुंचा, गाड़ी लेट थी. यहां आया तो दरवाजा एकदम खुला पड़ा था. ठीक नहीं है आदत, चोर उचक्के घुस के सारा घर झाड़ फूंक के रख देंगे. तुम सोए पड़े थे मरे मुर्दे के माफिक. कमरे की एक चाबी बनवा के मुझे दे देना. सोचा देखा हूं, डिपार्टमेंट का काम निकलवाया. तेरी मां ने कहा था कि जाके मिलाओ, हाल भी मालूम हो जाएंगे. तेरी मां ने भेजी है, नारियल की बर्फी है, आज तेरे लिए बनाई है. और ये क्या वर्दी के साथ ही सो गए? एक पुलिस इंस्पेक्टर को शोभा देता है ये? यूनिफॉर्म ही हमारी अथॉरिटी है, हैसियत है, उसे एकदम टिप टॉप रखना चाहिए. एक काम तो यह था कि तुम्हारी बदली बंबई से बाहर कराने की कोशिश की जाए,
अपने ही इलाके में हो जाए तो बेहतर है। यहाँ की बनिस्बत वहाँ कमाई कम जरूर होगी, लेकिन दूसरा कोई धोखा खतरा नहीं है। आप अपने बादशाह। दूसरा काम ये कि तुम्हारे ब्याह का तय होना चाहिए। एक जगह से बात आई है, लड़की का बाप एक मामूली वकील है, लेकिन है फौजदारी का। फौजदारी में तो वैसे भी मुंह मांगा दाम मिलता है, अच्छी कमाई होती है। लड़की ने इसी साल एसएससी पास किया है, तंदुरुस्त है, दिखने में कोई अप्सरा नहीं है, लेकिन बुरी भी नहीं। वैसे बीवी होनी भी नहीं चाहिए ज्यादा खूबसूरत। हम पुलिस वाले तो हमेशा भागदौड़ में बाहर रहते हैं और बीवी घर में अकेली। मैं बाहर जा रहा हूं, देर हो रही है। कब लौटोगे? शाम तक। आपको फौरन सस्पेंड कर दिया तो मुझे जरा भी ताज्जुब नहीं होगा, और अगर ऐसा होता है तो इसी में आपकी भलाई। तभी आपकी खोपड़ी में आएगा कि एक पुलिस ऑफिसर को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। लेकिन सर, मैंने कोई चीज कानून के खिलाफ नहीं की। मेरे पास नारायण सलोके का डाइंग डिक्लेरेशन था। पुंगी बना लीजिए उसकी। आने दो आज रात का पुलिस गजट, सब लोग पढ़ेंगे उसमें। सब इंस्पेक्टर वेलनकर नौकरी से सस्पेंडेड, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू। मगर चार्ज क्या लगा सकते हैं सर? शराब पीकर पब्लिक प्लेस में तोड़ फोड़, वो भी पूरी वर्दी में, क्या ये चार्ज काफी नहीं है? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था सर। कल रात फोन पर जो मुझे सुनना पड़ा, लगा जैसे सबके सामने नंगा करके कोई थूक रहा हो मेरे बदन पर। मेरा तो खून खोल रहा था सर। आज के अखबार पर नजर डालेंगे तो आपका पूरा खून ठंडा हो जाएगा। कॉरपोरेशन के इस चुनाव में रामा शेट्टी खड़ा हो रहा है एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। क्या सर? और रूलिंग पार्टी ने उसे सपोर्ट देना जाहिर किया है। मगर सर, वो तो एक गुंडा है, इज अ क्रिमिनल। जब साबित होगा तब। फिलहाल बस्ती के वोट्स उसकी मुट्ठी में, और वो इन वोट्स का सौदा करता है। असेंबली के पिछले चुनाव में लेफ्ट फ्रंट का कैंडिडेट उसी की मदद से जीता था। अब की बार वो खुद खड़ा हो रहा है, आया हुजूर आला के दिमाग शरीफ में। मगर सर, ये तो वैली साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं ये दुनिया किस चाल से चलती है। फिर आप होते कौन ये पूछने वाले कि क्यों इस तरह से चलती है? क्योंकि वो इसी तरह चलेगी, और हम भी साले कोई पीर औलिया नहीं है, इसी रैकेट का एक हिस्सा है। जानते हैं ना? जानते हैं या नहीं? रोजमर्रा के व्यवहार में तो आप ये सब पचा लेते हैं झक मार के। फिर मुझे बताइए कि कल रात आपकी अकल किसकी टांगों तले पड़ी थी? रामा शेट्टी को गिरफ्तार करने की बुलंद परवाजी आपकी खोपड़ी में आई कैसे? मैं नहीं जानता सर। लगा जैसे जैसे नस तड़की हो सर। रामा शेट्टी की याद आते ही मेरा सर भन्नाता है। लगता है जैसे कोई मेरी मर्दानगी को ललकार रहा हो। चलो ले आओ। देख लीजिए पाटिल साहब, फैक्ट्री के अंदर से पत्थरबाजी की गई है। मैनेजमेंट ने गुंडे बुलवाकर अंदर से पत्थर फेंकवाए हैं वर्कर्स के ऊपर, और आप उन गुंडों की मदद से माल और मशीनरी बाहर निकालना चाहते हैं। बैठिए। देखिए, मशीनरी और माल ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, उसे निकालने से हम कैसे रोक सकते हैं उनको? नहीं, मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा, लेकिन मुझे मेरे इलाके में कोई गैर कानूनी हरकत नहीं चाहिए। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा जो कानून तोड़ते हुए पकड़ा जाए, ऐसी सजा दूंगा। माफ कीजिएगा पाटिल साहब, मैं आपको याद दिला दूं कि आप किसी को भी सिर्फ हिरासत में ले सकते हैं, सजा देना अदालत की जिम्मेदारी है, आपकी नहीं। देखिए पाटिल साहब, इस हड़ताल को 3 महीने हो चुके हैं और अब तक हमारी तरफ से कोई गैर कानूनी हरकत नहीं हुई है। अब मैनेजमेंट ने ये गुंडागर्दी और खूनरेजी चालू करवाई है, ये वर्कर्स को प्रोवोक करने की चाल है। मिस्टर मात्रे, आपके आपसी पॉलिटिक्स से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमारी जिम्मेदारी इस एरिया में शांति बनाए रखना है। यहां लेबर प्रॉब्लम्स के इंचार्ज हैं इंस्पेक्टर गुप्ते, आप उनसे मिलिए। डिस्ट्रिक्ट, इन्हें इंस्पेक्टर गुप्ते के पास ले जाओ।
चलिए चलो। हेलो पाटिल, आइए आइए, नो फॉर्मेलिटी, प्लीज कम इन। हेलो इनामदार। हेलो, ये है मिस्टर खन्ना, विनस इंजीनियरिंग वर्क्स के डिप्टी मैनेजर इंडस्ट्रियल रिलेशन। ग्लैड टू मीट यू। मेरे पुराने दोस्त इंस्पेक्टर पाटिल। यस ऑफ कोर्स, इनामदार साहब से बहुत सुना आपके बारे में। उम्मीद है कुछ अच्छी बातें सुनी है हमारे बारे में। शुक्र करो सभी बातें नहीं बताई अभी तक। क्या लेंगे आप? हम दोनों तो चाय के मरीज हैं। आप क्या पियेंगे? Nothing, really. नहीं नहीं, please don't feel formal. He is a personal friend. आप कुछ सॉफ्ट ड्रिंक लीजिए। Okay. अरे सुनो, उसे कहना दो चाय ले आए, एक में शकर कम और एक थम्सअप भी। और सुनो, उसे कहना थम्सअप बोतल में लाए, वरना गंदे ग्लास में लाएगा साला। कहिए साहब, क्या सेवा करूं आपकी? हमारी फैक्ट्री में वर्कर्स की इलीगल स्ट्राइक चल रही है, ये तो आपको मालूम ही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अपने ऑफिसर्स वहां भेजे हैं, पूरा बंदोबस्त है। हमें कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि वर्कर्स को फैक्ट्री की दीवार से कम 20 मीटर की दूरी पर रखा जाए। इसके लिए हमें आपकी मदद की जरूरत होगी। ठीक है, हो जाएगा। थैंक यू। और दूसरा ये कि हमें गवर्नमेंट के सप्लाई ऑर्डर्स पूरे करने हैं, जिनके लिए कुछ माल बाहर निकालना है। मुझे डर है वर्कर्स रुकावट डालेंगे। आप बिल्कुल मत घबराइए खन्ना साहब, मैं कानून के साथ किसी को भी खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। देखा खन्ना साहब, मैं आपसे कह रहा था ना, इंस्पेक्टर पाटिल इज अ वेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफिसर। थैंक यू इंस्पेक्टर। प्लीज मेंशन ना। मुझे मालूम है आप बहुत अच्छे पे मास्टर हैं। आपके यहां तो एक ऑर्डिनरी क्लर्क को भी 900 रुपया मिलता है, और यहां बरसों रगड़ा खाने के बाद सिर्फ 1600 रुपए, और वो भी रात दिन जान जोखिम में डालने के बाद। खैर, मिस्टर इनामदार मेरी पॉलिसी जानते हैं, कानून तोड़ने वालों के लिए मेरे दिल में कोई दया नहीं। आप बेफिक्र रहें। थैंक यू पाटिल। शाम को तुम घर पर ही रहोगे ना? हाँ। मैं फोन करता हूं। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। क्या पोजीशन? काफी टेंशन है सर। मैनेजमेंट को कोर्ट का ऑर्डर मिल गया, वर्कर्स को फैक्ट्री की दीवार से 20 मीटर दूर रखो। यदि मैनेजमेंट अर्जेंट डिलीवरी के लिए कोई माल बाहर निकालना चाहे तो ये उनका हक है। देखना कोई गड़बड़ ना हो। ओके सर। किसी को कानून तोड़ने मत देना, चाहे कुछ भी करना पड़े, समझे? सर। चिंते, वर्कर्स को फैक्ट्री की दीवार से 20 मीटर दूर करो। प्लीज चिताना शाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्लीज चिताना शाही, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यही रुकना। हेलो ज्योत्सना। हेलो। यहाँ कैसे? मीट इंस्पेक्टर हैदर अली, ज्योत्सना गोखले सर। हेलो। स्नेहा बाजपेयी। हेलो। इंस्पेक्टर आनंद वेलनकर। इंस्पेक्टर हेलो। स्नेहा लेबर रिलेशंस में पीएचडी कर रही है, और अपनी थीसिस के सिलसिले में स्ट्राइक के कुछ वर्कर्स और लीडर्स से इंटरव्यू करना चाहती है। मेरा ख्याल आज आप रहने दीजिए, टेम्पर्स आर रनिंग वेरी हाई टुडे। कोई खास वजह?
खास नहीं, मैनेजमेंट कुछ सामान निकालना चाहती है, वर्कर्स उन्हें रोक रहे हैं। और आप वर्कर्स को रोकने से रोकने आए? मिस वाजपेयी, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि कोई भी शख्स कानून अपने हाथ में ना ले। आप दोनों यहाँ से चली जाइए, इस वक्त मैं आपकी हिफाजत की गारंटी नहीं दे सकता। चाहिए, प्लीज गो। बहुत गड़बड़ होने वाला है। चलो, कौन है ये? तुम्हारा रिश्तेदार? नहीं, ऐसे ही पहचान है। पीवे था इन दोपहर में ही। नहीं, तुमने कैसे जाना? जानने को है क्या, उसके मुझसे बदबू आ रही थी, तुम्हें नहीं आई? हटाओ, जल्दी बैठिए मेरे साथ। सच सच बताना, तुम कभी ऐसे पुरुष से मिली हो जिसे देखकर तुम्हें लगा हो चाहे एक ही पल के लिए किसके साथ शादी कर ले? अरे ये क्या गुस्सा है तुम्हारे दिमाग में सुबह सुबह? जवाब दो, सही जवाब। लगा भी है और नहीं भी। क्या मतलब? देखो, कभी कोई मिल जाता है ऐसे ही बगैर कारण के, से एक्सीडेंट, और यकायक फील होता है कि ये ठीक वैसा ही है जिसके साथ शादी करके अच्छा लगेगा। सुंदर, रोबिला, अच्छे तौर तरीके वाला। फिर लगता है हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, इसलिए हम उस फीलिंग को झटक देते, फिर वो दोबारा टकरा जाता है, दोबारा भी, और हम उसके बारे में कुछ और ज्यादा जानते चले जाते हैं। लेकिन उसी पल ये भी महसूस होता रहता है कि हम उसे कतई नहीं जानते, उसकी दुनिया और हमारी दुनिया बिल्कुल अलग है, कोई मेल नहीं है दोनों में। लगातार मिलते रहने से तो हम ज्यादा से ज्यादा ही जानेंगे एक दूसरे के बारे में, ये कैसे हो सकता है कतई ना जाने? शायद मुझे से समझाते नहीं बन रहा। वेले, इधर आओ। कहाँ गए थे? पान खाने गए। किसको बेवकूफ बना रहे हो? क्या सोचा है तुमने अपने बारे में? लोबो बनने की ठानी है, मरना है शराब पी पी के? नहीं सर, वो सर की ऐसी की तैसी। बिंटे, मैं तुमको बाद में बुलाता हूँ। अब तक बचे हुए हो, ताजा नोटिफिकेशन में भी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं है, पर अगर तुम सोच रहे हो कि हर बार बच जाओगे तो तुम बेवकूफ हो। शहीद बनने का शौक है? केवेलनकर साहब तो बहुत ही सेंसिटिव हैं, उनसे पुलिस की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए बेचारे अपना टेंशन शराब में डुबोते हैं। बेवकूफ मत बनो वैली, ये नौकरी ऐसी है कि यहां पर सोना भी हो तो आंखें खुली रखकर सोना पड़ता है, समझे?
Is that Jyotsna speaking? Who is speaking? Oh, hell. I want Jyotsna, Jyotsna Gokhale. Who is speaking, please? Damn, tu kahan hoti hai baar baar puchne wali, who is speaking? Officer, police officer Anant Velankar here. Go and catch the girl, quick. Jyotsna ko bulao. Hello? Jyotsna Gokhale yahan nahi hai. Kahan chali gayi? Jidhar bhi ho, bula ke lao. I want her here and now. बुला के लाओ, अर्जेंट काम है हमारा, समझी? ना गो, ज्योत्सना को बुलाओ। हेलो, हेलो, हेलो। मैं आपका मैसेज ले सकती हूँ अगर आप चाहें। हम कह रहे हैं तुम्हें सुनाई नहीं पड़ता। I want ज्योत्सना, लेके आओ, हमारा हुक्म है। हेलो, हेलो, हेलो। क्या हुआ ज्योत्सना? कुछ नहीं। इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है कि डेकॉइड्स पूरी लूट के साथ गोराई से 2 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट में एक पुराने मकान में छिपे हुए हैं। हैदर, तुम भोसले को लेकर ठीक 6:30 बजे वहां पहुंचो। मुफ्ती में रहो और शेडो वॉच रखो। उनके पास बंदूक और पिस्तौल है, जरा संभाल के। वेलनकर, तुम और गुप्ते हथियारबंद कांस्टेबल लेकर गोराई में कैंप डालो और मौका देखते ही मकान को घेर लो। कंट्रोल रूम से बराबर कॉन्टेक्ट रहे। लीव राइट नाउ। अब बस हो गया साहब। इतना पिन अच्छा नहीं है। कितना अरसा हुआ सर्विस में? 20 साल साहब। 20 साल तक ऐसी ही बदतमीजी करते आए हो? नहीं साहब, आज पहली बार। क्योंकि 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 मेरा बेटा सिधर गया है साहब। आज होता तो आपकी उम्र का होता। सॉरी। आई एम इंस्पेक्टर सुजीत वाघ, क्राइम ब्रांच। क्या रिपोर्ट है? कुछ खास नहीं, जांच पड़ताल जारी है, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। कमिश्नर साहब को क्या रिपोर्ट देंगे? जो मैंने बताया है। विलंकर, एक जिम्मेदार ऑफिसर होने के नाते मेरी इज्जत है, आपकी है या नहीं? आपने जो पूछा उससे इज्जत का क्या ताल्लुक? कुछ हाथ नहीं आया, ये कोई रिपोर्ट है? हमें ऐसी रिपोर्ट करने की आदत नहीं है, हम काम करने वाले आदमी हैं। आपकी राय में मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूँ? रिजल्ट्स चाहिए, फालतू के कामों कौन पूछता है? We are paid for getting results. और हम लोग क्या आराम से बैठने की कमाई खाते हैं? तुम पुलिस चौकी के लोग सरकार के दामाद बने बैठे हो, न सर खुजाने की तकलीफ, न बदन हिलाकर मशक्कत करने की, कड़क सलाम ठोक के अलग और काम खत्म। थे और तुम लोग होम डिपार्टमेंट की नाजायज औलाद, पढ़ाया सिखाने वाला। आई विल रिपोर्ट दिस विलंकर। गो हैंग योरसेल्फ। मुंबई शहर में इतना बड़ा डाका और डाकुओं का सुराग तक नहीं, पुलिस क्या खर्राटे भर रही है? आप कुछ भी कह लीजिए, मगर डाकुओं को पकड़ना आसान बात नहीं। हेलो, सब इंस्पेक्टर वाघमारे, चौकी पुलिस स्टेशन। सब इंस्पेक्टर अनंत वेलनकर से बात करनी थी। वो इस वक्त यहाँ पर नहीं है। एनी मैसेज? जी नहीं, थैंक यू। एक बात फिर ध्यान से सुन लो, डकैत बहुत खतरनाक है, मगर जहां तक हो सके हमें उसे जिंदा पकड़ना है। जब तक मैं ऑर्डर न दूं कोई फायरिंग नहीं करेगा। जादव, शिंदे मेरे साथ, बाकी सब लोग ये दीवार के साथ साथ पोजीशन ले लो। चलो।
तुम यहीं से कवर करो। ज्यादा तुम यहां पोजीशन। क्या बात है, ऐसे क्यों देख रही हैं? कुछ नहीं, सोच रही थी न जाने कौन आया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने गैंग के लीडर को ही पकड़ लिया और काफी कैश भी बरामद हुआ है। लेकिन अखबार में आपका नाम क्यों नहीं छपा? नहीं छपा तो क्या हुआ? हुआ क्यों नहीं, आपके साथ वाले दूसरे ऑफिसर्स के नाम तो छपे हैं। आपको तो मालूम हुआ ना, यही बहुत हुआ। लेकिन दूसरों को भी तो पता चलना चाहिए। अब पता ना भी चले तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपने ये सब कैसे किया? मैं नहीं जानता, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूं, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि किसी और को नहीं मुझे ही आगे बढ़ना है, जो होना है वो बस। मेडल वगैरह मिलने के चांस है? मेडल मुझे, हमारे यहाँ मुझसे भी ज्यादा बहादुर ऑफिसर्स मौजूद हैं। हमें सीख देने चला है साला, दो कौड़ी का लौटा। क्या क्या लिखा है? अरे वो कुलकर्णी की बेटी के बारे में बताया था ना हमने, लिखता है कि मुझे मंजूर नहीं, दूसरी कौन अफसर रखी है इनके लिए, कहते हैं कि किसी अनजानी लड़की में मेरी रुचि नहीं है। अपना प्लान वक्त आने पर लिखूंगा, यह दिलासा दिया तुम्हारे सबूत ने। इनका प्लान, इनके प्लान के मुताबिक अब हम चले, मार मार के भूत उतार दूंगा इसका। बकवास साला, समझता क्या है अपने आपको? बाप के नाम पे हीरो बनता है?
साहब, इंस्पेक्टर वेलनकर फ्रॉम गोलचौकी पुलिस स्टेशन। हेलो वेली, हैदर हियर। ओ हेलो सर, कोई खास बात? खास खास हम खास सर। कौन सी? वो बेलगांव वाली लौंडिया की खोज में थे ना हम सर, जो लापता थी, वही जिसकी कंप्लेंट लिखवाने उसके माँ बाप आए थे। हाँ, क्या हुआ उसको? वो मिल गई सर, फॉकलैंड रोड के एक घटिया लॉज से। पता है उसके साथ कौन था सर? कौन था? रामा शेट्टी का बेटा। लॉकअप में बंद कर दिया साले, लड़की को एक कमरे में बंद कर रखा था। कहीं जाता तो उसे कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा के जाता था। हफ्ते भर जबरदस्ती की उसके साथ हरामजादे ने, और वो लॉज का प्रोप्राइटर भी उसके साथ मिला हुआ था सर। रामा शेट्टी को पता चला? नहीं अभी नहीं, उसको भी बताऊंगा, लेकिन कल सुबह तक तो बिल्कुल नहीं सर। क्या इरादा है तुम्हारा? बस जरा धुलाई करेंगे उसकी सर। नहीं वेली, फिर से वही गलती मत करो, समझ रहे हो ना? एक बार तुम छूट गए हो, बार बार नहीं छूट पाओगे। नहीं नहीं, चिंता मत कीजिए सर, बस जरा सेलिब्रेट करने का मौका दीजिए। सेलिब्रेशन काहे का? सर लगता है अपना मामला पट जाएगा, अपन इन्वॉल्व हो गए सर, सीरियसली। अच्छा सुनो, वो रामा शेट्टी के छोकरे के साथ जरा संभल के। हाँ हाँ बिल्कुल संभल के सर। अच्छा सर। तुझे शर्म नहीं आई ऐसी चिट्ठी लिखते हुए? हमें ऐसी चिट्ठी? हमें? गुल्लू की पैदाइश साला, तुझे ये बताने आए हैं कि तेरी शादी उसी लड़की के साथ होगी जिसे हमने पसंद किया है, समझा? लेकिन मुझे क्यों है? वही करनी पड़ेगी तुझे शादी, हमारा हुक्म है, हमने तय किया है, वही होगी शादी। नहीं करूंगा। आप कौन होते हैं तय करने वाले? कौन है आप हुक्म देने वाले कि इसी लड़की से शादी करो? भाड़ में गया आपका हुक्म, मैं क्या आपकी बीवी हूं? मैं अपनी मर्जी से जीता हूं, किसी और की मर्जी का गुलाम नहीं हूं मैं, ये बात ध्यान में रखकर बात कीजिए। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, हमारे काम दुरुस्त हैं। नहीं करनी उस लड़की के साथ शादी तो मरो। घर में रखते हो रामी अविस्की, हमारी खत्म हो गई है। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छे, हमें गर्व है सारा तेरे पे। पुलिस फोर्स को मिला हीरा है तू, हीरा। हमें भरोसा था अपने दादा और बाप की गद्दी चलाएगा तू। हाँ बेटा, तेरे हाथ से अभी और भी बड़े बड़े काम होंगे, बहादुरी के स्टाम्प पेपर पे लिखा ले, हमसे लिखा ले। माँ को पीटता है तू? Thank you.
पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे क्या हो रहा है इधर? चलो चलो पीछे हटो। हेलो 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 हु इज स्पीकिंग? हेलो हु इज स्पीकिंग प्लीज? ज्योत्सना, इज दैट ज्योत्सना? ज्योत्सना मैं अनंत बोल रहा हूँ। हु इज देयर? हेलो हेलो डैम हेलो ज्योत्सना स्पीकिंग। हेलो ज्योत्सना, हाउ आर यू? बोलती क्यों नहीं? भाई गॉड, मैं नशे में नहीं हूँ। ज्योत्सना प्लीज कुछ तो कहो। ज्योत्सना कसम से होश में हूँ, ज्यादा नहीं पिया सिर्फ। ज्योत्सना ज्योत्सना तुम आओ ना। नहीं मैं फिर आऊंगी। अंदर आओ ना। तुम कम ज्योत्सना, ज्योत्सना सॉरी कल रात फोन करके तुम्हें डिस्टर्ब किया। जाने कैसा मोह जगा था कि किसी ना किसी तरह तुमसे मिलूं, कम से कम तुम्हारी आवाज ही सुन लूं। फिर मैं अपने को रोक नहीं पाया। कुछ ऐसा है कि मुझे तुम्हारी चाहना होती है और तुम मुझे नहीं मिल पाती तो मैं और पीता हूं, और पीता हूं तो और ज्यादा चाहना होती है। लेकिन विश्वास करो, मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा ऐसा ना हो। सच, तुम्हें कल की तरह डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा। मैं अपने लिए डिस्टर्ब नहीं होती, तुम्हारे लिए होती हूं। किसी दिन तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है, बहुत सा वक्त लूंगा तुम्हारा और सब कुछ बताऊंगा। और है ही कौन मेरा जिसे बता सकूं, यानी ऐसा जिसके सामने बेखबर होकर सब कुछ कहता चला जाऊं।
ना समझ की तरह। सच। लेकिन पीने पर कंट्रोल रखो। प्रॉमिस। आज मैं बहुत खुश हूं। Hello? 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 Hello, may I speak to Jyotsna? Yes? Miss Gokhale, please. Just a minute. Miss Gokhale, aapka phone. Hello? Hello? Hello, who is speaking? Hello, ma'am. Hello? Hello, main Anand bol raha hu, Jyotsna. To foran kyun nahi bole? Main hello hello chilla rahi hu. Sorry, main public phone se bol raha hu. Tum theek to ho na? Tumne phir se... Huh? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं सर, मैंने फोन इसलिए किया है कि मुझे फौरन आगरा जाना पड़ेगा। वो बैंक डकैती के सिलसिले में वहाँ की पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार किया है, उसे कब्जे में लेना है। कब लौटोगे? 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। मैं तुमसे मिलना बहुत चाहता था लेकिन अब वक्त नहीं है। अपना ख्याल रखना और सुनो सुनो अपना प्रॉमिस याद रखना। प्रॉमिस। बाय। ओके बाय। आधार ही यह है कि हर नागरिक को अपनी सरकार की आलोचना करने की पूरी आजादी है, लेकिन यह आजादी बरकरार रखने की पहली शर्त यह है कि नागरिक हमेशा जागरूक रहे, सचेत रहे, और डेमोक्रेसी में नागरिकों की मौलिक अधिकारों पर लगाए जाने वाले डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट बंधनों का विरोध करें। दूसरी शर्त यह है कि हम अपने सरकार की अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को, जिनका संबंध नागरिकों के दैनिक जीवन से, उनकी सुरक्षा से और शासन व्यवस्था से है, उन पर कड़ी नजर रखे, उन्हें लगातार बदलती हुई परिस्थितियों, जरूरतों और मूल्यों के दृष्टिकोण से उनकी जांच परख करे, उन्हें रीइवैल्यूएट करे, और अगर जरूरी हो तो इनमें परिवर्तन लाए ताकि इन इंस्टीट्यूशंस का पतन न हो। इस सिलसिले में अगर हम पुलिस तंत्र को देखें तो जो हालात नजर आते हैं उससे दिल दहल जाता है और चिंता होती है। पुलिस आवश्यक है, इस बात का इनकार नहीं किया जाता, और क्योंकि पुलिस का संबंध नागरिकों की सुरक्षा, उनके जानो माल की हिफाजत से है, इसलिए यह और भी जरूरी है कि पुलिस तंत्र पूरी तरह से निष्पक्ष और बेदाग हो। इस देश में कानून का राज रहते अगर कोई भी कानून को धत्ता दिखाकर किसी की आंखें फोड़ता है, हड्डियां तोड़ता है, जान से मार देता है तो क्षमा नहीं किया जा सकता, और अगर पुलिस ही ये काम करती है तो एकदम अक्षम्य है। पुलिस की परंपरा के ख्याल से लज्जाजनक है। फ्रेंड्स, ऐसे भरभर कांडों का सिर्फ धिक्कार करके हम जागरूक नागरिकों की जिम्मेदारी खत्म नहीं हो जाती। जरूरत है उन विकृत दिमागों की थाप पाने की जो ये काम कर रहे हैं। ये दिमाग सिर्फ अत्याचार ही नहीं करते बल्कि अत्याचार में आनंद लूटते हैं। दिल दहलता है ये सोचकर कि क्या यही वो ताकत है जिसके हाथों में कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपकर
हम निश्चिंत भाव से जीना चाहते हैं। विकृति जन्मजात हो सकती है, पर अपवाद रूप में, ओनली एज एन एक्सेप्शन। जो चीजें आए दिन घटित हो रही हैं, वे ऐसे अपवाद नहीं कही जा सकती। अखबार में रोज पढ़ते हैं हम कि पुलिस की हिरासत में रहते हुए कुछ लोग मर गए, आत्मरक्षा की दलील लेकर गोली चलाई गई, पुलिस थाने के आहाते में बलात्कार हो गया। अगर ये सब होता रहता है तो कैसे माना जाए कि ये अपवाद है? हेलो, हेलो ज्योत्सना। हेलो अनंत, आई एम बैक। एक समाचार है आपके लिए। सुना है मां बदौलत को पुलिस मेडल दिया जा रहा है, वो बैंक डकैती वाले केस में जो काम मैंने कर दिखाया था उसी के उपलक्ष में। अब प्रमोशन भी दूर नहीं है। कहिए कैसा है समाचार? तुम्हें खास खुशी नहीं हुई सुनकर? मेरी बात मानो अनंत। बोलो। तुम ये नौकरी छोड़ दो। क्या? तुम ये नौकरी छोड़ दो। ज्योत्सना क्या कह रही हो तुम? अनंत मैं सीरियसली कह रही हूँ। लेकिन क्यों? देखो, आदमी जो है और जो करता है, आगे चलकर दोनों में अंतर नहीं रह जाता। उड़ी हुई मनोवृत्ति भी आखिर आदमी को खा लेती है। तो क्या पुलिस में रहकर आदमी राक्षस हो जाता है? ज्योत्सना क्या सारे के सारे पेपर्स और मैगजीन्स पढ़ के आई हो, पुलिस अत्याचार की हेडलाइंस वाले? पुलिस के खिलाफ सच्चा झूठा जो मन में आए छाप देते हैं, ज्यादातर झूठा और मनगढ़ंत। सबका सब झूठ है। आई डोंट नो, मगर ये अखबार वाले अपना एक अंदाज देकर पुलिस के इमेज को बिगाड़ते हैं। पुलिस को गाली देना एक फैशन हो गया है। ज्योत्सना मेरी एक बात का जवाब दो, बगैर पुलिस क्या कोई भी सुरक्षित रह सकता है? क्योंकि पुलिस जरूरी है, इसलिए वो कुछ भी कर सकती है। हमारे तरीकों को लेकर मतभेद हो सकता है, मगर हम लोग जो कुछ भी करते हैं लोगों की भलाई के लिए करते हैं। भलाई के नाम पर आप ही कानून तोड़ेंगे? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है। ज्योत्सना हमारा वास्ता हर किस्म के लोगों से पड़ता है। मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि कानून की सीमाओं में रहकर हमेशा हर काम करते नहीं बनता। और भ्रष्टाचार, उसका क्या? एक हाथ से ताली नहीं बजती ज्योत्सना, जो लोग घूस देते हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो आप पुलिस के अत्याचार और भ्रष्टाचार दोनों का समर्थन करेंगे? अनंत मेरी ये समझ में नहीं आता कि तू। ज्योत्सना, तुम बेकार बात का बतंगड़ बना रही हो। आखिर पुलिस में काम करने वाले लोग भी इंसान हैं, कभी उनसे भी भूल हो सकती है, मगर ये लोग उनकी भूलें ही छापते हैं, वो भी नमक मिर्च लगाकर। हम लोग जो अच्छे काम करते हैं उसकी कोई बात ही नहीं करता। तुम बेकार इनके भुलावे में मत आओ ज्योत्सना। अनंत, मैं किसी के भुलावे में नहीं आ रही, लेकिन एक बात निश्चित है, मेरा पति पुलिस वाला नहीं होगा। अनंत मैं सच कहती हूं, तुम जब बेवजह किसी पर टूट पड़ते हो तो तुम मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब किसी को मार मार कर लहूलुहान कर देते हो तो तुम एकदम अपरिचित पराये लगते हो, जिसे मैं किसी तरह का संबंध रखना नहीं चाहती। और जब पिए हुए होते हो। मेरा विश्वास करो ज्योत्सना, मैं अपने को बदल दूंगा, सच। जो नौकरी मेरे काम की इज्जत करती है, मुझे मेडल दिलाती है, उसे छोड़ दूं, ये तो पागलपन होगा। असल में यही तो मेरे कैरियर की शुरुआत है। ज्योत्सना, पुलिस इतनी बुरी नहीं है जितना उसे बताया जाता है। आगरे में मैं एक ऑफिसर से मिला था जो मुझे देवता आदमी जान पड़ा। तिलक लगाता है, पूजा अर्चन करता है, उसके टेबल टॉप के नीचे भगवान की तस्वीर रखी रहती है जिसे वो आंख से ओझल नहीं होने देता। मांस मच्छी नहीं खाता, शराब नहीं पीता, पाप भीरू आदमी है, और 12 बरस की सर्विस है उसकी। ये सही है कि उसे प्रमोशन देर से मिले, मगर मिले। 12 बरस तक वो नेक आदमी पुलिस फोर्स में टिका रहा। इस बात का क्या मतलब लिया जाए? रिपब्लिक डे के दिन मुझे मेडल दिया जाएगा, तुम उस समारोह में आओगी। नया नोटिफिकेशन आ गया सर, आज तो मेडल्स अनाउंस हुए होंगे, अपने वेली का नाम तो होगा ही। वेली का नाम तो नहीं है, क्राइम ब्रांच के सुजीत वाघ का नाम है।
बंद कर दो साले को, मैं बाद में देखता हूँ। क्या बात है सर? तुम्हें चूम के छोड़ दिया है वेली। क्या मतलब है सर? तुम्हारी जगह मेडल क्राइम ब्रांच के बहादुर इंस्पेक्टर वाघ को दिया गया है। क्या कह रहे हैं सर? मजाक नहीं, असलियत है। लिस्ट में तुम्हारा नाम नहीं है। ट्रांजिस्टर चुराए? मैंने नहीं चुराया साहब। सच बोल। माँ को सर मैंने नहीं चुराया। किधर रखा है ट्रांजिस्टर? नहीं चुराया मैंने। साले, दूसरों का हक चुराते हो कीड़े रे गंदगी अरे कीड़ा और किधर रखा है ट्रांजिस्टर? मैंने नहीं चुराया साहब। बोल मैंने नहीं चुराया। बोल किधर रखा? मैं चोर नहीं हूँ साहब। चोर नहीं? बोल किधर रखा? मैंने नहीं चुराया साहब। किधर रखा? किधर रखा? मैंने नहीं चुराया। नहीं बोलेगा साले? साले, दूसरों का हक चुराता है हराम और कीड़े साले कुत्ते। हेलो, मैं वेलनकर सर। हाँ वेली। क्या खबर है सर? क्या हो सकती है?
तुम्हें सस्पेंड कर दिया गया है, इंक्वायरी होगी। और सर? और क्या चाहते हो? सर वो आपका दिल्ली वाला कांटेक्ट। लुक वैली, मामला बहुत ही सीरियस हो गया है, सिविल लिबर्टीज वाले बीच में आ गए। आई डोंट वांट टू गेट इन्वॉल्व्ड। देखो वैली, अगर तुम्हें वैसे कोई जरूरत हो पैसे वगैरह की तो बताना। थैंक यू सर। मेरे हाथों एक आदमी मर गया। क्या? हाँ, कल रात को। मेडल तो गया, क्राइम ब्रांच वाले को दिया गया। बेतहाशा पी मैंने, वहशी हो गया था मैं। क्या हुआ कुछ ठीक से याद नहीं, मगर डिटेक्शन रूम में ही मर गया वो। शायद गलत जगह चोट खा गया था, सब खत्म ही समझो। तुम्हें कुछ नहीं कहना? क्या कहूं? गलत काम हो गया, आई नो। सस्पेंड हो चुका हूं, पुलिस ऑफिसर हूं भी नहीं भी हूं, यूनिफॉर्म तक नहीं पहन सकता। मां सुनेगी, टूट जाएगी, लेकिन अब पछताने से भी क्या होने वाला है। लगता है, कहो ना, जो भी मन में आए कह डालो, मैं सुन लूंगा। बहुत देर हो गई है ना? हो सकता है देर हो ही गई है। क्या कुछ हमारे बीच नहीं रहा जो कहा जा सके, बोला जा सके? अनंत, देखो, तुमने कहा था कि ये नौकरी छोड़ दो, मुझे उसी वक्त मान लेना चाहिए था, नहीं माना। पहली भूल तो यही कि मैंने नौकरी ली, दोष मेरा ही है, मेरा ही दब्बूपन। बाप के सामने मूत निकलता था मेरा, जब भी उसने मेरी मां को मारा मैं कुछ नहीं कर पाया, एक बार भी मैंने उसका सामना नहीं किया। ज्योत्सना, एक बार मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ। शायद वो दिन आ गया है आज। अगर सोचो तो मैंने अब तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके बूते पर मुझे अपने पुरुष, अपनी मर्दानगी का एहसास हो, फक्र हो। जिस इंस्टीट्यूशन की नौकरी करके रोटी खाता हूं, जिस इंस्टीट्यूशन के दुश्मनों से मैंने जूझना चाहा, वही इंस्टीट्यूशन मेरी मर्दानगी कुचलने पर तुला हुआ है। और दिन ब दिन मेरा यह एहसास बढ़ता जा रहा है कि मैं आत्मा से ही नपुंसक होता जा रहा हूं। मैं यह सह नहीं सकता, बिल्कुल नहीं सहा जाएगा मुझसे एक नपुंसक की जिंदगी जीना। और मैं इससे समझौता भी नहीं कर सकता, मुझे अपनी नपुंसकता को जीतना ही होगा, नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा मैं।
हिम्मत मत हारो वेली। ठीक है मामला काफी सीरियस है, फिर भी इस लफड़े से बाहर निकलने का तरीका सोचो। मेरे ख्याल से मामला लोकल लेवल पर ही पड़ जाए तो अच्छा है। मेरी एक सलाह है, एकदम से रिजेक्ट मत कर देना सुनकर। तुम रामा शेट्टी से मिलो, उसकी अच्छी पहुंच है, सीएम तक इन्फ्लुएंस है उसका, वो तुम्हें बचा सकता है अगर चाहे। मुझे मालूम है तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी, फिर भी जरा ठंडे दिमाग से सोचो। तुम रामा शेट्टी के साथ सौदा करो, नहीं उसका एहसान लेने वाली बात नहीं है, वो तुम्हारा काम करेगा, तुम उसका दाम दोगे बस। अगर पुलिस में रहे तो कभी ना कभी मौका आएगा और तुम उससे अपना पुराना हिसाब चुकता कर लेना। देखो वेली, अगर ये वर्दी रही तो कुछ भी मुमकिन है। चर्बी चढ़ गई है तुम्हारे सपूत के दिमाग पर, एक कैदी को लॉकअप में जान से मार दिया बेवकूफ ने। नहीं नहीं, डामर फोड़ दिया साले ने बाप के मुंह पर, थूकेंगे हम पर लोग इसे पढ़कर। ये मेरा बेटा है, इतनी भी अक्कल नहीं कि कितना मारे। अरे कच्चे कैदी को मारने का भी एक तरीका होता है, संभाल के मारा जाता है उसे। मारना पीटना दूसरा कोई उपाय नहीं है। बूढ़ दिमाग हो तुम। हल्के उपायों से किसी ने गुनाह कबूल किया है कभी? मार मार कर लोहे की सलाख तक टेढ़ी हो जाती है और चूं तक नहीं करते ये लोग। अनंत को ये सब समझा समझा कर बताया था और ये भी बताया था कि किसी छोटी सी जगह में अपना तबादला करवा लो, वहां हर बात को आसानी से ढका जा सकता है। मगर नहीं, हम खुद उसके तबादले की कितनी कोशिश कर रहे थे मालूम है, और अब ये घपला कर बैठे हैं साले। मरो अब कुत्ते की मौत। हम आज ही मुंबई जाएंगे। शेट्टी साहब हैं? ठहरो साहब। आइए साहब। आओ इंस्पेक्टर साहब, आओ। एक काम था। हुकुम दो, आप जैसे के वास्ते हम क्या नहीं करेंगे। करेंगे, मेरे लिए भी। काम के ऊपर है साहब, वैसा कोई बात हम दिल में नहीं रखता है। आपने हमारे बेटे को पकड़ा पीटा, पीटा ना, लेकिन वो बात भी हम आपके खिलाफ दिल में नहीं रखेगा। आपने जो किया कानून से किया, बराबर किया। बोलो क्या मदद कर सकता है हम आपका? कुछ ऐसा हो गया है मुझसे जो होना नहीं चाहिए था, आपको तो मालूम ही होगा। अंदर चल के बोले क्या वेलनकर? आओ। तो इस लफड़े में से सही सलामत छूटने का है तुमको, यही ना? लो ना, लो। नहीं थैंक यू।
सही सलामत छूटने का है, और वो काम आसान नहीं, उल्टा बहुत मुश्किल है वेलनकर। क्यों? के पहला ये कि जो मरा वो तुम्हारे चार्ज में था जब मरा, और दूसरा ये सिविल लिबर्टीज वालों ने ये मैटर उठाया है, ऐसा आपने ही बोला। ये लोग बहुत ऊपर तक जाते हैं, पेपर में भी लिखते हैं ये लोग। कितना खर्चा होगा? पैसे की बात कौन किया वेलनकर? कैश मिलेगा। कैश? देखो वेलनकर, हमसे जो जमेगा वो करेगा, मुश्किल है। सिर्फ भगवान नहीं तो सीएम ही बचा सकता है तुमको। पर मानो अपन ने ट्राई किया, अपन को सक्सेस मिला, मुश्किल है ये तो पहले ही बोला, पर समझो कि हमने तुम्हारा काम कर दिया। तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर हमने कैंसिल करा दिया। ऐसे काम का कीमत पैसे से नहीं होता वेलनकर। तो पुलिस फोर्स में हमें दोस्त चाहिए। पुलिस फोर्स में तुम हमारा काम करोगे, हमारा अपना आदमी बनकर रहोगे वेलनकर। अपना आदमी यानी अपने दरवाजे पर कुत्ता बांधेगा तू? कुत्ता अनंत नाम का, जो इशारा करते ही सलाम करे, दुम हिलाए, पांव चाटे तेरा। गुलाम चाहिए तुमको जिंदगी भर के लिए, रंडी चाहिए वेलनकर नाम की। देखो वेलनकर, तुम बहुत ज्यादा सोचता है। आराम से जीना है ना तुमको, सोचना नहीं। मतलब ये कि मैं तेरा भड़ुआ बन जाऊं, तू थूके और मैं चाटूं, तेरा गू खाऊं मैं दिन रात। लो। चक्रव्यूह से बाहर निकलने पर मैं मुक्त हो जाऊं भले ही, फिर भी चक्रव्यूह की रचना में फर्क ही न पड़ेगा। सोया हुआ आदमी जब नींद में से उठकर चलना शुरू करता है, तब सपनों का संसार उसे दोबारा दिख ही न पाएगा। उस रोशनी में जो निर्णय की रोशनी है, सब कुछ समान होगा क्या? एक पलड़े में नपुंसकता, दूसरे पलड़े में पौरुष, और ठीक तराजू के कांटे पर अर्ध सत्य।
क्या बात है वेली? सर मैंने रामा शेट्टी को मार दिया।